पता नहीं नया कस्टमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं रेगुलेशन में चेंज आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं बैंक मुझे एडिशनल फाइनेंसिंग देगा कि नहीं देगा, पता नहीं बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांगेगा कि नहीं मांगेगा। दीज आर द मटेरियल अनसर्टेनिटी। कुछ इवेंट्स और कंडीशन से उसने कंपनी को हिट किया है। जब कंपनी को हिट किया तो कंपनी ने कहा कि जी मैं कंपनी चलाऊंगी, मैं बंद नहीं कर रही, मैं बैंकर से बात करूंगी, मैं सप्लायर से बात करूंगी, मैं नया कस्टमर लेकर आऊंगी, मैं नया प्रोडक्ट लेकर आऊंगी, ये प्लान है उसके। लेकिन क्या नया प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या नया कस्टमर मान जाएगा, क्या सप्लायर वापस राजी हो जाएगा, क्या कोविड कंप्लाइंट हो जाएंगे, ये सारी की सारी मटीरियल अनसर्टेनिटी है प्यारे बच्चों। ये चीज मैं अपनी रिपोर्ट में बताता हूं। जब शेयर होल्डर मेरी रिपोर्ट देखता है तो शेयर होल्डर कहता है कि यार ऑडिटर मुझसे कह रहा है कि जाओ देखो नोट 1.3 में और वहां जाके देखो कुछ इवेंट्स और कंडीशन है जो कि गोइंग कंसर्न के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और आखिरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, ओपिनियन। अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर।